नगर निगम प्रशासन ने नेहरू नगर से डबरा पारा चौक तक नेशनल हाईवे से लगी सर्विस रोड को कब्जा मुक्त करने बुधवार से अभियान की शुरुआत की है। अभियान में यातायात पुलिस के कर्मचारी भी शामिल हुए। नेहरू नगर चौक से डबरा पारा चौक तक नेशनल हाईवे से लगी सर्विस रोड को चौपहिया और दो पहिया ऑटो डील संचालकों के कब्जे से मुक्त कराने नगर निगम प्रशासन ने बुधवार से अभियान की शुरुआत की है। कार्रवाई का शुभारंभ नेहरू नगर चौक से किया गया। यहां से सर्विस रोड को कब्जा मुक्त करते हुए नगर निगम की टीम दक्षिण गंगोत्री सुपेला पहुँची। यहाँ ऑटो डील संचालकों द्वारा अनाधिकृत रूप से सर्विस रोड में खड़े किए गए वाहनों को निगम के कर्मचारियों ने हटाया, साथ ही महीनों से खड़ी पुरानी गाड़ियों को जब्त करने की कार्रवाई भी की गई। पूरी कार्रवाई के दौरान नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित करते रहे। नगर निगम की टीम अपनी जेसीबी को लेकर भी पहुंची थी। वाहनों से जगह को खाली कराने के उपरांत उसमें मुरम डलवा कर पूरे मार्ग को समतल भी कराया जाता रहा। नेशनल हाईवे से लगी सर्विस रोड को वाहनों के कब्जे से मुक्त करने के पूर्व अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी द्वारा ऑटो डील संचालकों की बैठक नगर निगम सभागार में ली गयी थी। बैठक में ऑटो डील संचालकों को अपने वाहनों को हटाने निर्देशित किया गया था, जिनमें से ज्यादातर ऑटो डील संचालकों ने अपने वाहनों को अभियान शुरू होने के पूर्व ही हटा लिया था। बुधवार को हुई कार्रवाई में ऑटो डील संचालकों ने निगम प्रशासन का पूरा सहयोग किया और भविष्य में अपने चौपहिया वाहनों को सर्विस रोड में नहीं खड़ा करने की बातें कही। अभियान की जानकारी नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने दी। ये जितना सर्विस रोड है अपने नगर निगम क्षेत्र में, कोर्ट का ऑर्डर है एक्चुअली हाई कोर्ट का, और जितने भी सर्विस रोड में किसी भी प्रकार के ऑटो डील का काम हो रहा हो, अतिक्रमण है या व्यवसाय हो रहा है, तो उसको पहले से हमने अभी बीच में ही इनकी सबकी बैठक ली थी और उनको बताया था कि ये अलाउड नहीं है, आप अपनी कोई व्यवस्था अलग से बनाइए और सर्विस रोड में पार्किंग के लिए और लोगों को आने जाने के लिए आप रास्ता छोड़िए। तो जो कुछ लोगों ने तो हटा लिया और जो नहीं हटाया वो उनके पास कार्रवाई कर रहे हैं। और अगर जो डंप गाड़ियाँ हैं, कुछ लोगों ने डंप गाड़ी छोड़ दी, जैसे अभी आप देख रहे हैं ये डंप है, पता नहीं कब कब से यहाँ पर रखा है, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 6-7 महीने से रखा है, तो उसको उठा रहे हैं। ऐसी जितनी भी गाड़ियाँ हैं जो डंप के रूप में रख दिया हुआ है उसको भी उठा नहीं। अभी ये जो कार्रवाई है वो पूरी कंटिन्यू रहेगी। और जैसे आप संडे मार्केट का आपने देखा हो, संडे मार्केट हटाने के बाद में भी हम लोगों ने वहाँ पर निगरानी दल लगाया हुआ है और जैसे ही कोई फिर से लगाता है तो कार्रवाई कर रहे हैं, जुर्माना कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था यहाँ भी। ये तो सामान्य सी बात है कि अतिक्रमण पे कार्रवाई करने के लिए तो मेरे ख्याल से कोई राजनीतिक दल भी नहीं बोलता। सबको चाहिए कि यातायात सही रहे, सुगम रहे, लोग अच्छे से आए और जाएं। अब मार्केट में देखिए आप, कोई चलने की जगह नहीं रहती। ये बिल्कुल हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं कि आप ये इसमें व्यवस्था में आप सहयोग करें, सहयोग है। अभी देखिए बहुत सारे लोगों ने हटा भी लिया। जुर्माना आप जो नहीं मानेगा और फिर से वो लगा देगा तो उसके ऊपर जुर्माना करेंगे, भारी जुर्माना करेंगे। बुधवार को हुई नगर निगम की कार्रवाई में पूरी सर्विस रोड कब्जा मुक्त नजर आई। बहरहाल नेशनल हाईवे से लगी सर्विस रोड को कब्जा मुक्त किए जाने नगर निगम प्रशासन द्वारा शुरू किया गया यह प्रयास सराहनीय है, लेकिन शहर में अब भी अनेकों ऐसे मार्ग हैं जिन पर अवैध कब्जेदारी काबिज हैं। विभिन्न स्थानों में बनाई गई नगर निगम की अप्रोच रोड को भी दुकानदारों ने पार्किंग स्थल में तब्दील कर रखा है। ऐसे दुकानदारों के कब्जे से अप्रोच रोड और अन्य मार्गों को खाली कराने नगर निगम प्रशासन कब और क्या कार्रवाई करता है, यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे।